Hi, good morning family. So today is our day 3 at Banaras. Now we are going a sea ghat for morning aarti. Morning aarti. And boating. Are you excited, Avanya? Yes. Super excited. And Shalini is wearing sari. Yeah, for aarti. चलो लेट्स सी। तो अस्सी घाट पे ये सुबह सुबह चल रही है सुबह बनारस की तैयारी और बस हम भीड़ को क्रॉस करते हुए पहुंच गए अपनी अपनी जगह लेने। कितना अच्छा था सुबह का व्यू, बहुत ही प्यारा था और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। अभी ढंग से ना सुबह भी नहीं हुई थी, सुबह की अभी 6:15 बजी थी आरती, जस्ट मॉर्निंग आरती बस खत्म ही हुई थी। और उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे सुबह बनारस होता है जिसमें अलग अलग के लाप होते हैं, राग होते हैं। मुझे म्यूजिक की इतनी सेंस तो नहीं है, पर ये जो भी मतलब अभी गाएंगे ना आप सुनना, आपको एक अलग ही लेवल की फील होगा। और बहुत ही अच्छा गाते हैं, मतलब कभी कृष्ण जी का, कभी किसी और भगवान का, बहुत ही अच्छा गायक है। और ये कुछ लोग मेरे व्लॉग के लिए हाय कर रहे हैं। अरे मेरा ब्रो व्यू क्या बोल रहा था मालूम है? अभी क्या कह रहा है? दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये देखिए व्यू ऐसे बोलते हैं, दिस इज आवर बिजनेस, एंजॉय करो। मेरे को थोड़ा बोरिंग लग रहा था, वो इसीलिए ऐसे बोल रहा था, फिर मैंने उसको समझाया नहीं इसको सुनो और एंजॉय करो। 10 मिनट का है ना, कितनी देर का प्रोग्राम होता है? सुबह की रात की अवधारणा होने जा रही है। आज हमारे बीच पर है वरिष्ठ कलाकार मोहित साहनी, कृपया इन कलाकारों के लिए एक बार ताली बजा दें आप लोग। राग बसंत मुखारी से अवधारणा होने जा रही है, आप लोग आनंद लें। सुबह की राग की अवधारणा प्रस्तुत है ईशान घोष गायन में। सबने उनकी सिंगिंग एंजॉय की होगी और फिर उसका आनंद लेने के बाद, सुबह बनारस का आनंद लेने के बाद हम चल गए अपनी नाव ढूंढने। जी हमें जाना था अस्सी घाट से राजघाट तक, तो हमें पूरी नाव मतलब चाहिए थी जो पूरी राइड दे दे और पूरे घाट घुमा दे। तो फाइनली हमें नाव मिल गई थी और ये देखिए व्यू, बोट से तो कितना प्यारा ही व्यू आ रहा है, पर पूरे टूरिस्ट भरे हुए थे पूरी नाव में। बस इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हमने शुरू कर दी अपनी यात्रा। और अलग अलग तरह के लोग थे नाव पे, सब कोई फ़ोटो में मग्न था, कोई व्यू देखने में मग्न था, कोई फील कर रहा था। खैर सबकी अपनी श्रद्धा होती, जिसको जैसे इंजॉय करना है वो वैसे इंजॉय करता है, पर मैं कहूँगी आप ज़रूर इसको देख के इंजॉय करिए। उसके बाद जो बोट चलाते हैं वो सबको बोल रहे हैं प्लीज़ एक लाइन में होके बैठ जाइए, थोड़ा बैलेंस बना रहे। वो सबको बोल रहे हैं फ़ोटो बाद में खींचिएगा। उधर शालिनी चली गई थी अपनी फ़ोटो सेशन करवाने, उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था तो वो थोड़े एक्साइटेड। आई लव यू, चलो मासी। डर रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट हो रहा मम्मी का। देखो यहाँ फोटो शूट चल रहा है, मम्मी किसी पल भी गिर सकती है पानी में, पर उन्हें कोई डर नहीं लग रहा। और शालिनी का फोटो शूट तो खैर आज तो कर ही रहा था। उसके बाद आपके नज़ारे देखिए, ठंड के मौसम में सुबह सुबह
बोटिंग करने का ना अलग ही फील है। आप जाइएगा तो ज़रूर करिएगा, 80 घाट से बोट बुक करके राजघाट तक जाइएगा, फिर आइएगा वापस। यहाँ पे मैं और अवन्या फुल 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं पर उतने अच्छे से आ नहीं पाया, बट आई स्टिल वी आर ट्राइंग। और जहाँ पे ये चिता जलती वही दिख रही है ना ढेर सारी, वो है मणिकर्णिका घाट। मैं आपको क्लोजअप में भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बनारस एक ऐसा शहर है ना, लोग यहाँ मोक्ष प्राप्त करने आते हैं और ये अलग ही फीलिंग है। जब आप ये चिता जलती भी देखोगे ना तो सोचोगे सब यहीं चला जाता है। और ये है वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। जी ये फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है और ये बना है राजघाट के पास। जब आप बोट यात्रा से जाओगे ना, जब राजघाट पे बोट रुकती है 10-20 मिनट्स के लिए, वहाँ पे नमो घाट बना है, बहुत ही खूबसूरत है वो, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। सर अभी हम पहुँचे हैं नमो घाट, सो हमें बोटिंग से 10 मिनट्स का ब्रेक मिला है और यहाँ ये मासी भाग रही है फॉर लाइक फोटो शूट। चलो बाहर चलते हैं, अभी मम्मा गई है, अभी बाहर गई है उसके तो ना। बस 20 मिनट राजघाट पे रुकने के बाद हम वापस निकल चले अपनी यात्रा की तरफ। हमें वापस भी जाना था, कुछ लोगों को विश्वनाथ जी वाले घाट पे भी उतरना था। तो इसी तरह व्यू को एंजॉय करते हुए ये देखिए है दशा समेत घाट, जहाँ पे मेन संध्या आरती होती है, जहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। शाम के समय आएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ लगी रहेगी। और जब आप देव दीपावली में आते हो ना, जो दीपावली के बाद पड़ता है दीपावली के बाद, तो आपको एक अलग ही नज़ारा दिखेगा, अलग ही खूबसूरत बनारस दिखेगा, दीयों से जगमगाता हुआ बनारस आपको दिखेगा। ये है तथा समेत घाट। घाट घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो साथ में ही घाट से निकलते एक साउथ इंडियन कॉर्नर था, तो एकदम मस्त देसी उन्होंने इडली दी। दीयों ने इडली चटनी खाई, आशुतोष ने इडली सांभर चटनी खाई, मैंने भी इडली सांभर चटनी खाई, शालिनी और अवन्या ने खाई डोसा, क्योंकि शालिनी को अभी खाना था आगे कचौड़ी, जो चाची की कचौड़ी लंका पे मिलती है, बहुत ही फेमस है वो भी, काफ़ी फेमस है जैसे राम भंडार फेमस है, पर मुझे वहाँ की कचौड़ी ओके लगती है, बहुत ग्रेट नहीं लगती। पर शालिनी का लास्ट डे था तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर खाऊँगी। बस उसके बाद हमने अपना सामान पैक किया और निकल गए स्टेशन की तरफ। हमारी ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जी हाँ जो पुरानी वाली वंदे भारत चलती है दोपहर में 3 बजे, पर ट्रेन को पहुँचना था बनारस 2 बजे और ट्रेन पहुंची 3:30-3:30 बजे आई थिंक। उसके बाद ट्रेन निकली ऑलमोस्ट 4 बजे, मतलब हमारी ट्रेन 1 घंटा मतलब लेट ही चली और हम दिल्ली भी बहुत लेट पहुंचे थे। आगे देखेंगे आप बच्चे मेरे ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। We are ending our journey. I hope.